औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैर अफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्लू डायमंड सिक्योरिटी सर्विस के बारे में, और बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में मालूमात लेना चाह रहे थे, मगर बहुत सी मजबूरियों की वजह से और मालूमात न मिलने की वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज कुछ राय से इसकी मालूमात अगर टिकी हैं तो आपके साथ ये आज हम शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो है ब्लू डायमंड सिक्योरिटी सर्विस के बारे में। ये एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि इसके पास क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल वगैरह हैं, और ये कंपनी सीरा के अंडर काम करती है। 1995 में मोहम्मद रैदी ने इस कंपनी की बुनियाद रखी और ये कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। ब्लू डायमंड सिक्योरिटी सर्विस ISO 9001-14001 सर्टिफाइड कंपनी है और इसके वर्कर की तादाद तकरीबन 2000 है। इसके पास जो वर्कर हैं वो मुख्तलिफ कंट्रियों से हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपीन, नाइजेरिया, युगंडा वगैरह से हैं, और ये क्लीनिंग कंपनी भी है, और इसके अलावा ये रोप एक्सेस भी प्रोवाइड करती है। ये कैंप के अंदर तमाम सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, जैसे जिम हो गया, प्रेयर रूम हो गया और किचन की सहूलत प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये कंपनी आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये आपको फ्री इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कैंप में आपको बेड, मैट्रेस, ब्लैंकेट और कैबिनेट वगैरह भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं सैलरी की, और इस कंपनी में सैलरी अगर आप 30 दिन काम करेंगे तो 2200 दरहम सैलरी आएगी, और अगर आप 26 दिन काम करेंगे तो आपकी सैलरी 1920 दरहम आएगी। और जब भी आपको इस कंपनी में आने का मौका मिले तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस कंपनी से आप एक्सपीरियंस हासिल करके दूसरी अच्छी सी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंपनी भी अच्छी है, प्रॉपर टाइम पर सैलरी भी प्रोवाइड करती है और दूसरी सहूलियात भी प्रोवाइड करती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हलाने के बाद